सो आज का वीडियो आपने पल्सर N160 पे है जो यहाँ पे लगी हुई है। भाई कितना अच्छा लोकेशन है, दीघा में है हम। और लोकेशन बता दें आपको, ये पीछे मैरीन ड्राइव है और इधर दीघा ब्रिज है और उसके जस्ट बगल में ये गंगा नदी है। इधर ही अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा लोकेशन था ये, शांत एकदम, बहुत मज़ा आता है भाई। और हल्का हल्का बारिश भी होने लगा है, देखिए टी शर्ट पर नज़र आ जाएगा आपको, हल्का हल्का बारिश भी स्टार्ट हो चुका है अभी। और चलते हैं अभी फिर ब्रिज के नीचे और वहाँ चल कर वीडियो बना। बाइक पे भी हल्का हल्का बूंदा बूंदी होना स्टार्ट हो गया है, बारिश हो रहा है भाई, ठीक है नज़र आ रहा है इधर बारिश हो रहा है। और हमको भी यहाँ से लगता है अब चलना चाहिए क्योंकि बारिश इधर भी आ सकता है, तो फिर इधर छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेट्रो वाला और ये मैरीन ड्राइव है और ये दीघा है, ठीक है चलते हैं उसी साइड क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, बारिश अगर आएगा तो उससे बचने के लिए जगह है वहाँ पे, ठीक है। बाकी ये नज़ारे बहुत खूबसूरत है भाई, मस्त एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और बारिश भी है। बोटिंग भी यहाँ स्टार्ट हो चुका है भाई, ये वाला बोटिंग, ये चीज़ अभी पहली बार पटना में चालू हुआ है और काफ़ी दिन हो गया इसको स्टार्ट हुए और बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग भी किए थे इस पर, इसका क्या प्राइस है वो भी हम आपको बता देते हैं। अभी दो तीन तरह का इसमें है, अगर सिंगल करना चाहते हैं तो सिंगल वाला बहुत फास्ट रहता है, ठीक है तो वो भी बहुत मज़ा आता है उस पर भी। सिंगल अगर करना चाहते हैं तो, या फिर डबल या फिर फोर्थ, चार जन एक साथ जा सकते हैं, वो वाला भी बहुत अच्छा लगता है। जाएगा वो दीघा ब्रिज के पास, वहाँ से फिर यू टर्न मार के वापस, सबसे बेटर होता है चार जन एक साथ जाइए या फिर तीन आदमी एक साथ जाइए, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। इसको पता नहीं है भाई, उसका चार्ज बता देते हैं, 250 रुपये पर टिकट है, पर पर्सन है, सॉरी 250 रुपये पर पर्सन है इसका चार्ज। जाएगा वहाँ तक, वहाँ से फिर यू टर्न लेके चला आएगा, देखिए वहाँ से यू टर्न मार के वापस आ गया। कौन कौन आदमी इस बोट का मज़ा ले चुका है कमेंट में बता दीजिएगा ज़रूर। और भाई वैसे बहुत मज़ा आता है, अगर जो लोग भी ट्राई नहीं किया है एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फाइनली अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे, मस्त होंगे भाई और मस्त ही रहिए भाई। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है अब हर जगह, लगभग बिहार में हर जगह मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइक थ्रू 28 पे। जो लोग अभी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो, और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए भाई। आज का वीडियो मेरे N160 पल्सर N160 पे होने वाला है, ब्लैक हॉक। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे भाई क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो अभी आईफोन ले लिए हैं भाई, क्वालिटी मिल जाएगा आपको, क्वालिटी दिख भी रहा होगा। और सो बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहे हैं, जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वालिटी से कम्प्रोमाइज अब नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा वीडियो और कंटेंट मिलेगा, जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज का वीडियो आपने पल्सर N160 पे है जो यहाँ पे लगी हुई है और इसका करीब 1.5 साल पूरा हो गया है अभी, ठीक है। नवम्बर में लिए थे, 2023 में नवम्बर में, और अभी मतलब जुलाई चल रहा है, जून चल रहा है, तो लगभग 1.5 साल पूरा हो चुका है इस बाइक का मेरे पास। अभी तक इसको हम राइड कर चुके हैं, दिखाते हैं आपको, अभी तक इसको हम राइड कर चुके हैं 17,202 किलोमीटर, ठीक है 17,202 किलोमीटर यहाँ पे क्लियर आप लोग देख सकते हैं। और भाई इसका जब शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं या फिर कोई वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई बाइक अच्छी नहीं है, कोई कहता है माइलेज अच्छी नहीं देती है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसके बारे में जितनी भी बातें बताई जाए वो सब कम है भाई, तारीफ नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, रियल में बहुत अच्छा बाइक है अभी तक तो। मतलब बाइक में कौन सी अच्छी बात है कौन सी बुरी बात है वो सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो लगभग 1.5 साल हो गया है इस बाइक को मेरे पास और राइड करते हुए, और लगभग 17,000 किलोमीटर हम राइड कर चुके हैं, आपको अभी दिखाया है। शुरू से बात करते हैं भाई, इसके फ्रंट से बात करते हैं आगे से। तो डिस्क पैड में बहुत अच्छा है, डिस्क पैड बहुत, डिस्क भी बहुत अच्छा है, टायर भी अभी तक बहुत अच्छा है, वैसे ही है स्टॉक में जो मिला था वही है। और ग्रिपिंग इसका बहुत अच्छा है भाई, अभी तक पंचर वगैरह कुछ नहीं हुआ है टायर में। इसका हेडलाइट जो है, हेडलाइट पे आते हैं बाद में, फिलहाल टायर बहुत अच्छा है, अभी तक क्लियर है, अभी तक चल रहा है, वही टायर है सेम। हरन इसमें एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट एक और लगवाए हुए हैं, बाकी इसमें आफ्टर मार्केट कुछ भी काम नहीं करवाए हैं हम, और जो है सब स्टॉक है सब कुछ, ठीक है। तो अभी तक वैसे ही चल रहा है, ओरिजिनल है, जो चीज़ है मिला था कंपनी की तरफ से सेम वही चीज़ है सब कुछ, अभी तक इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं कराया है, बस एक हजार्ड लाइट लगवाए थे जिसका स्विच ये है, और बाकी इसमें कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं लगवाया है, एक हरन और एक हजार्ड लाइट, बाकी कुछ भी नहीं।
इसका जो आगे का फ्रंट लुक है बहुत अच्छा लगता है, हेवी लगता है। 160 सीसी के सेगमेंट में ये सबसे अच्छा बल्की लुक लगता है, यहाँ से बहुत अच्छा लुक लगता है, मतलब राइडिंग भी बहुत ज़बरदस्त होता है, मज़ा आता है इसको राइड करने में। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको MT का कॉपी है, शायद उनका कहना भी सही है क्योंकि ये MT के लॉन्च होने के बाद ही ये लॉन्च हुआ था। अपने सेगमेंट की बाइक में ये किंग है, बहुत लोग इस पे ग्राफिक्स कराते हैं बट हम इसमें कुछ भी नहीं कराए हैं भाई, बहुत अच्छा लगता है सिंपल में ही बहुत अच्छा लगता है। और इसका हेडलाइट जो है, हेडलाइट का भाई थोड़ा सा मतलब अभी लग रहा है कि इसका जो लाइट है वो थोड़ा कम पड़ गया है, हल्का सा कम पड़ गया है। ऐसे मतलब अदर बाइक्स चलाते हैं तो उसमें भी बहुत अब नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है तो लगता है कि थोड़ा उसका ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है और इसमें कम हो गया है, ठीक है। हालांकि कम हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे नॉर्मल एक ही लाइट पे इसका एक्स्ट्रा लाइट लगाने का ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ा है, तो मतलब लाइट बहुत अच्छा है, हाई और लो दोनों सही है। लो इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, उसको नीचे से यहाँ पे रेड एक नट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा लो हो गया है ज़्यादा। तो लाइट भी बहुत अच्छा है। माइलेज की बात करें तो माइलेज अगर कंसोल मीटर में दिखाते हैं आपको तो इसका माइलेज देखिए अभी कितना का दे रहा है, सॉरी किल स्विच ऑन कर दिए, इसका माइलेज देखिए कितना दे रहा है, एक मिनट। आप जो ट्रिप वन है और ट्रिप वन है उसको इस पे एस दबाइएगा तो आपका माइलेज निकल के आ जाएगा 43 का माइलेज देता है ये बाइक। और ऐसे नॉर्मली हम हाईवे पर अगर राइड करते हैं तो ये 45, 46, 47 तक दे देता है कंसोल मीटर। और इस बाइक से भाई माइलेज बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 160 सीसी के सेगमेंट में माइलेज इतना दे रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी अदर कोई भी 160 सीसी का बाइक जो है इतना माइलेज नहीं देता है। बाकी टैंक भी बहुत अच्छा है, इसका जो चार्जिंग सॉकेट है अभी तक हम यूज नहीं किए हैं, हालांकि इससे चार्ज बहुत अच्छा हो जाता है। लॉन्ग राइड पर जाइएगा तो चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगा और उस टाइम में यह बहुत फ़ायदा करता है, ठीक है। ब्लॉग शूट ही कर रहे थे तब तक एक बहुत खूबसूरत नज़ारा सामने, ये भाई दीघा ब्रिज है, ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं ऊपर से चलती हैं और नीचे से ट्रेन, अपना नीचे से रेलवे ट्रैक है और ये लोकल ट्रेन है, ठीक है। अभी ये पाटलिपुत्र दीघा की तरफ जा रही है, सोनपुर की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ब्लॉग शूट करते हैं आके क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सीन मिलता है, सुकून भी है, शांति भी है और लोकेशन भी बहुत अच्छा रहता है, इस वजह से यहाँ पे आते हैं भाई। बहुत अच्छा लगता है ये जब ट्रेन गुजरती है इधर से, तो और यहाँ पे अपनी लगी है ब्लैक हॉक। सो फ्रंट से बता दिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी बता दिए माइलेज कितना देता है वो भी बता दिए, 43 का देता है, 45 का देता है। और इसमें एग्जॉस्ट साउंड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, अभी तक वैसे ही है, बेस इसका ज़बरदस्त है, वैसे है शुरू से अभी तक जैसे बेस था वैसे ही है, ठीक है। और पीछे वाला भी टायर स्टॉक है वैसे, इसमें बस दो या तीन पंचर हुआ है शुरू से अभी तक, ठीक है। दो बार इसका पैड चेंज हो गया है, ब्रेक पैड। 17,000 किलोमीटर चल चुका है और सब कुछ अभी तक स्टॉक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कुछ ख़राब नहीं हुआ है, जो भी मतलब अच्छी चीज़ें हैं इसमें वो हम बता दिए आपको। अब बताते हैं भाई इसका प्रॉब्लम क्या है। एक बार ही इसमें प्रॉब्लम हुआ था, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था, करीब 2 हफ्ता ऐसे ही यूज़ नहीं किए थे, रख दिए थे बाइक, और उसके बाद जब स्टार्ट कर रहे थे तो स्टार्ट नहीं हो रहा था, धक्का मार के स्टार्ट किए तो लेके गए सर्विस सेंटर गए तो वो उसमें बता रहा था कि भाई इसको अपडेट चाहिए, ये अपडेट मांग रही है बाइक, करीब 1 साल के बाद अपडेट मांग रही थी। तो अपडेट कराने का सीन क्या था, अगर हम उनसे बोले अपडेट करने के लिए तो वो बोल रहे थे अपडेट अगर करेंगे तो इसमें सॉफ्टवेयर जो चढ़ाएंगे अगर सॉफ्टवेयर चढ़ गया तो ठीक है, नहीं चढ़ा तो फिर 10,000 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा, सारा वायरिंग ख़राब हो जाएगा फिर उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था मेरे लिए ये डिसीजन लेना कि हम इसको अपडेट कराएं या ना कराएं इसका सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट कराते हैं और वो बाई चांस वो फॉल्स हो गया, नहीं हो पाया अपडेट, तो 10,000 रुपये पैड करना पड़ेगा, उसके बाद 10,000 रुपये लगेगा तो ये बाइक ठीक होगी, ठीक है। तो एक तो इतना महंगा बाइक लीजिए उसके बाद फिर 10,000 रुपये दे के इसको अपडेट कराइए, तो ये चीज़ बहुत बुरा लगा मुझे। और फिर बाद में वैसे ही डिसीजन लिए कि नहीं आप अपडेट कीजिए, अगर होगा तो देखा जाएगा, ठीक है।
तो अपडेट उस टाइम में कराएं और फाइनली सक्सेसफुल वो अपडेट हो गया और उसके बाद बाइक भी स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ उस दिन से अभी तक। तो भाई अभी फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं मांग रही है, इसमें कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और फिलहाल अभी चैन स्पॉकेट ख़राब हो चुका है, चैन स्पॉकेट ख़राब हो गया है इसका। चैन क्लीन हमेशा करते हैं हम, लेकिन इसका एक बार चैन क्लीन कर रहे थे तो इसमें कुछ फंस गया था, वो ब्रश फंस गया था मेरा, चैन क्लीनर जो ब्रश है वो फंस गया था और उसके वजह से उस टाइम से ये थोड़ा सा एक साइड से हाफ पार्ट इसका जो है वो टाइट रहता है चैन और बाकी पार्ट जो है वो लूज हो जाता है, ठीक है। वो कितना भी इसको सही कराएं वो होता नहीं है, इसका एक ही सोल्यूशन है इसका चैन स्पॉकेट चेंज कराना। तो फिलहाल अभी फिफ्थ सर्विस में चेंज करा देंगे क्योंकि बहुत आवाज़ आप लोग खुद इसका आवाज़ सुनिए और देखिए कितना गंदा आवाज़ आ रहा है भाई, बहुत इरिटेट हो गए हैं एक हफ्ता से भाई, आवाज़ सुनिए इसका कितना गंदा आ रहा है। तो भाई क्या क्या प्रॉब्लम था बाइक में और क्या नहीं था, मेरा 1.5 साल का क्या एक्सपीरियंस था इस बाइक के साथ, वो सब आपको हम शेयर किए हैं आपके साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है भाई, आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और जिसके पास N160 है वो ज़रूर कमेंट कर देंगे भाई, इस बाइक से जुड़ी और भी बातें हमको भी पता चलेंगी आपको भी पता चलेंगी, इसलिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा जिसके पास N160 है। और एक नया प्रॉब्लम जो चैन वाला आया है इसको हम फिफ्थ सर्विस में ज़रूर चेंज करा लेंगे, सॉल्व हो जाएगा वो भी। और उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि इंस्टाग्राम पे हमेशा स्टोरी और रील्स डालते रहते हैं तो अपडेट रहते हैं। यूट्यूब पे वीडियो लेट आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए भाई, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी।